أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم My dear SLS students, welcome to online classes. आज हम लोगों ने जी सिक्स क्लास यूनिट नंबर 9 शुरू कर रहे हैं जो कि है फोर्सेस एंड मशीन। हाँ जी, साइंस में हम लोगों ने क्या करना है, फोर्सेस एंड मशीन आज पढ़ना है चैप्टर नंबर 9। तो बेटा शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि मशीन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारा काम आसान बना देती है, ठीक है, और सादा बना देती है। सुपर मशीन सिंपल एक सादा मशीन वो टूल होता है जो कि हमारा काम आसान बनाता है। जितनी जो पचीदा मशीन है, मिसाल के तौर पर ट्रैक्टर हो गया, कार हो गई, पंखे हो गए, ये सारे सिंपल मशीनों से मिलकर बने हैं, ठीक है जी। We have learned about labor inclined plan and wedge in class 5. हमने labor inclined plan और बैच के बारे में क्लास 5 में पढ़ा था। हेयर वी शैल डिस्कस व्हील एंड एक्सल पुली एंड गियर, जहाँ पे हम व्हील और एक्सल के बारे में और पुली के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा व्हील एंड एक्सल क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज इन्वेंशन ऑफ द व्हील। इंसानी तारीख में सबसे अहम जो ईजाद थी वो व्हील की ईजाद थी। व्हील कैन मूव हैवी ऑब्जेक्ट इजीली, व्हील भारी चीजों को आसानी से जो है वो मूव करा सकता है। व्हील आर यूज इन सिंपल मशीन कॉल्ड व्हील एंड एक्सल। अच्छा, व्हील एक सिंपल मशीन है जो कि व्हील और एक्सल कहलाती है। ए व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ लार्ज व्हील फिक्स टू ए स्मॉल व्हील, ठीक है। ए व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ लार्ज व्हील, व्हील और एक्सल एक लार्ज व्हील पर मुश्तमिल होता है। फिक्स टू ए स्मॉलर व्हील कॉल्ड द एक्सल, जो कि छोटे व्हील के साथ जुड़ा होता है जिसको एक्सल कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्क्रू ड्राइवर आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, इसमें जो बड़े टायर वाला यानी जो दस्त है वो व्हील कराता है और जो छोटे टायर वाला है वो क्या है जी, वो एक्सल है, ठीक है जी। व्हेन द व्हील टर्न द एक्सल आल्सो टर्न, जब व्हील मूव करता है तो एक्सल भी मूव करता है। ए व्हील हैज बिगर डायमीटर देन दैट ऑफ द एक्सल, व्हील का डायमीटर जो है बहुत ज्यादा होता है एक्सल से, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। We use wheel and axle in two ways. हम व्हील और एक्सल को दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। To lift heavy load, we apply force on the wheel to turn the axle. हाँ जी, हैवी लोड को उठाने के लिए हम जो है वो व्हील पर फोर्स लगाएंगे जो कि एक्सल को टर्न करेगी और हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। टू इंक्रीज द स्पीड, दूसरा स्पीड को बढ़ाने के लिए वी अप्लाई फोर्स ऑन द एक्सल टू टर्न द व्हील, हम जो है वो फोर्स एक्सल पे लगाएंगे स्पीड को बढ़ाने के लिए, जिससे क्या होगा व्हील भी टर्न होगा। एक्चुअली स्क्रू ड्राइवर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सल, द ब्रॉड पार्ट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर पार्ट क्या है व्हील, स्क्रू ड्राइवर जो है वो एग्जाम्पल है व्हील एंड एक्सल की, पहले आपको बता दिया गया है, जिसमें जो दस्त है वो व्हील के तौर पर काम करता है जबकि जो छोटा नैरो पार्ट है वो एक्ट करता है एक्सल के तौर पर। ए फोर्स ए स्मॉल फोर्स और व्हील प्रोवाइड ए बिगर फोर्स एट द एक्सल टू पुश द स्क्रू इन टू दी वुड, हाँ जी, जब हम छोटी सी फोर्स लगाते हैं व्हील पे तो वो बहुत बड़ी फोर्स एक्सल पर बनती है और फिर जो है वो स्क्रू और इजीली जो व्हीकल के व्हील है वो इजीली जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ए माइनिंग इमेजिंग मशीन, ए टैप हैंडल, ए हैंडल ग्रिल एंड क्रैंक ऑन ए व्हील आर एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सल। बसेस, कार एंड बाइसाइकिल आर आल्सो कंटेन व्हील एंड एक्सल, ठीक है जी। बसेस, बस, कारें और ट्रक वगैरह ये सारे बाइसाइकिल ये व्हील एंड एक्सल पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी है, ये बेटा आप लोगों ने खुद से पढ़नी है अच्छी तरीके से और करनी है। उसके बाद यहाँ पे भी मुख्तलिफ ऊपर पिक्चर में भी एग्जाम्पल आ रही है, ठीक है। टैप में जो बड़ा डाय वाला चीज है वो व्हील है, जबकि छोटी डाय वाली चीज क्या है एक्सल है, इस तरह बाईसाइकिल है, ठीक है जी।
उसके बाद कुएं से पानी निकालने के लिए हम जो है वो फोर्स लगाते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, तो व्हील जो है वो हैवी चीज़ों को उठाने के लिए भी यूज होता है, ये बारे बता दिया गया। अब पूरी पढ़ेंगे हम, कहते हैं स्पीड ऑफ एक्शन, ठीक है जी। The wheel could also rotate a rope as a cord. हाँ जी, एक्सल के अलावा जो व्हील होता है वो रोप को भी क्या कर सकता है, रोटेट करा सकता है। इस वेरिएशन आपकी व्हील एंड एक्सल इज कॉल्ड पुली। तो व्हील और एक्सल की ये सेकंड क्या कहलाती है, पुली कहलाती है। ए पुली इज द व्हील विद ए रोप इन ए एज दैट व्हिच ए कॉर्ड इज पास्ड। द पुली टर्न अराउंड द एक्सल, पुली जो है वो एक्सल के एंड पे मूव करती है। ये आपको सामने पिक्चर में नजर आ भी रही है, ठीक है। जब हम इस रोप को नीचे की जाने जो है वो फोर्स लगाएंगे तो ये जो लोड है ये बड़ी आसानी से जो है वो ऊपर की जाने आ जाएगा। यहाँ पे जी आपके सामने दो जो है वो व्हील की पिक्चर भी दिखाई देंगे, व्हील एंड एक्सल की पुली की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक तो मोनोग्राम सा बनाया गया एनिमेशन, एक बंदा जो है वो फोर्स लगा रहा है नीचे की जाने, वो चीज जो है वो 200 kg, ठीक है जी। तो बेटा हमारे पास वी कैन यूज पुली टू रेज एंड लोअर ऑब्जेक्ट, हम जो है वो चीज़ों को ऊपर या नीचे पहुँचाने के लिए जो है वो पुली का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये पुली चेंज दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड मेक आवर वर्क इजीयर, पुली जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती है और हमारा काम जो है वो आसान बना देती है। पुली इज यूज टू लिफ्ट कंस्ट्रक्शन मटीरियल टू अपर स्टोरी ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट, हाँ जी। ये जो मजदूर वगैरह होते हैं ये मटीरियल को जो है वो अपर स्टोरी पे पहुँचाने के लिए पुली का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी। मोटर मैकेनिक एंड इंजीनियर यूज पुली टू लिफ्ट एंड प्लेस हैवी इंजन इन द कार, हाँ जी। जो मोटर मैकेनिक होते हैं या इंजीनियर होते हैं वो इंजन को गाड़ी के अंदर सेट करने के लिए या उसको निकालने के लिए पुली का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा जी। The pulley on a flag pole change direction of applied force pulley pull down one end of the rope that pass up over the pulley, the flag attached to the other end and goes up. हाँ जी, flag लगाने के लिए भी pulley का अक्सर इस्तेमाल आपने देखा होगा। A crane uses a pulley system in which fixed and movable pulley are used to lift heavy load. हाँ जी, क्रेन जो है वो हैवी लोड उठाने के लिए यूज होती हैं, उनमें जो है वो दो तरह की पुलियां लगी होती हैं, एक जो एक फिक्स होती है और दूसरी जो है वो मूवेबल होती है, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास है जी फिल स्मॉल एक्टिविटी नंबर 9.2, ये मैं पढ़ देता हूँ। फिल स्मॉल बकेट ऑफ विद वाटर, हाँ जी, आप छोटी एक बाल्टी लें और उसमें जो है वो आधा पानी भरें, ट्राई टू लिफ्ट द बकेट, उसको जो है वो उठाने की कोशिश करें, इट इज वेरी इजी, ये आसान होगा। आस्क एन अडल्ट टू बेंड ए वायर इन टू ए ट्रायंगल, हाँ जी, एक बार लें और उसको ट्रायंगल में बैंड करें, पुश द एंड ऑफ द वायर इन टू ए थ्रेड देयर, आगे कहते हैं जी हैंग योर पुली विद स्मॉल फोर्स द बकेट विद द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, पास द स्ट्रिंग ओवर द पुली, पुली पुल द स्ट्रिंग डाउनवर्ड लिफ्ट द बकेट, इट इज इट इजियर नाउ इन सम एरियाज ऑफ आवर कंट्री पीपल यूज पुली टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वॉल, हाँ जी। यानी मिसाल के तौर पर ये हमें बता रहा है कि आप पुली बनाएं, बाल्टी को जो है वो बाल्टी के अंदर पानी डालें और उसको जो है वो थ्रेड के साथ बाल्टी को बांध के पुली को ऊपर से गुजारें, ठीक है जी। तो जब आप नीचे की जाने फोर्स लगाएंगे तो बाल्टी जो है वो ऊपर की जाने मूव करेगी, इस तरह कुएं में से पानी निकाला जाता है। आगे टाइप ऑफ पुली है जी, देयर आर टू टाइप ऑफ टू काइंड ऑफ पुली, ए फिक्स पुली एंड ए मूवेबल, एक फिक्स होती है और दूसरी जो है वो मूवेबल होती है। ये आपके सामने फिक्स पुली की एग्जाम्पल जो है वो नज़र आ रही होगी एनिमेशन में, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जब फोर्स नीचे की जानब लगाएंगे तो ये लोड जो है वो ऊपर की जानब उठ रहा है। फिक्स पुली क्या है, द फिक्स द एक्सल ऑफ दिस पुली इज फिक्स विद सम स्पोर्ट, हां जी, इस पुली का जो एक्सल होता है वो फिक्स होता है। लोड इज टाइड ऑन वन एंड ऑफ द रोप व्हिच इज पासिंग ओवर द पुली, द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अदर एंड ऑफ द रोप टू लिफ्ट द लोड, ए फिक्स पुली इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, हाँ जी। फिक्स पुली जो है वो फोर्स डायरेक्शन को चेंज करने की पुली यूज होती है, ठीक है। फिक्स पुली है ना, आप यहाँ पे आप एक साइड पे लोड को जो है वो बांधा गया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप मटीरियल को ही अगर ऊपर पहुँचाना है, इस ये हमारे पास जो बाल्टी है इसमें अगर आप रेत बांध लेते हैं और इसको ऊपर लेकर जाना है तो दूसरी साइड पर जो है वो जो मजदूर है वो खींचेगा नीचे की जाने फोर्स लगाएगा रस्सी पे और ये जो बकेट है ये ऊपर की जाने जो मूव करेगी, ये फिक्स पुली की एग्जांपल है। लास्ट अभी आज का टॉपिक मूवेबल पुली, द काइंड ऑफ पुली हैज ए हुक टू द लोड, द मूवेबल पुली मूव टुगेदर
with the load. In this time, the rope is attached to some support valves. Pulley move, a movable pulley does not change the direction of the force. The applied force and the load move in the same direction. हाँ जी, मूवेबल पुली में क्या है कि हम जो रोप है उसको जो है वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है जी। और अब हम जो है वो अगर खींच रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक जो लोड है ये ऊपर की जाने मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो मूवेबल पुली में जो डायरेक्शन है फोर्स की वो चेंज नहीं होती है, जबकि दूसरे में जो है वो फिक्स पुली में डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फिक्स पुली में कैसे डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैं आपको ये चीज भी समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की जाने और लोड जो है वो ऊपर की जाने हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे बेटा मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ओके, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।